तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं शंखपाल। शंखपाल पटनीटॉप सनासर के रूट में आता है, जम्मू से अप्रॉक्सीमेटली 125 किलोमीटर दूर होगा। और 125 किलोमीटर तक तो हमारी गाड़ी जाएंगी, उसके बाद 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। तो चलते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है आज, जो कि पाइन तीर्थी के नाम से जाना जाता है। अगर आप मेरे राइट साइड पे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है बलदेव जी मंदिर। जी हाँ, जम्मू में इकलौता मंदिर है बलराम जी का। जम्मू में, यहाँ आई थिंक नॉर्थ में, शायद पूरे इंडिया में भी दो ही मंदिर हैं। तो बलदेव जी का मंदिर है, जो कि पाँच तीर्थ में से 5 तीर्थों में से एक तीर्थ था। मेरी एक सीरीज चल रही है जम्मू अनसीन। तो जम्मू अनसीन में अभी हम जा चुके हैं पंचहरी, हमने रामनगर फोर्ट भी कवर किया, और उसके बाद हम गए थे देसा। बस उसी को आगे बढ़ाते हुए महाराज का ट्रिप है ये, और ये जा रहा है सीधे शंखपाल सनासर। तो पटनीटॉप जो है वो आता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, और जो सनासर है जो कि 18 किलोमीटर दूर है वो आता है रामबन डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि देख रहा है, आज हम दो ही लोग हैं, मैं और आयुष। सुधांशु को कोई काम पड़ गया था, उसका कोई एग्जाम था, तो वो आज बंक मार गए। वैसे भी जब चलने की बात आती है तो बहुत सारे लोग बंक मार जाते हैं। हाँ, पर सुधांशु उनमें से नहीं है। सुधांशु चलने में काफ़ी अच्छा, उसका एग्जाम था तो नहीं आ सकता था। वो एग्जाम जरूरी है पहले। टाइम हो गया 6:15, हमने क्रॉस कर लिया झज्जर कोटली दोमेल, और आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखिए, ये है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, और सामने जय माता भी है। बट आई थिंक आज पूरी धुंध है वहाँ पे, तो वीडियो में आएगा नहीं। वहाँ पहाड़ दिख रहे होंगे, वो भी साफ नहीं आज। तो अभी हुआ क्या कि हम जा रहे थे, रास्ता पूरा बंद है, पूरा जाम लगा हुआ है उधमपुर से पहले। तो अभी हमें किसी ने रास्ता बताया था, हम उधमपुर टाउन के बीच में से होके जाएंगे। तो टाइम हो गया है 7:20, और हम पहुंच गए हैं अपने ब्रेकफास्ट के स्टेशन पे। तो ट्रैवल करने में 91 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, थोड़ा लेट हो गए बीच में। उधमपुर में काफी जाम लग गया था, काफी आर्मी की गाड़ी आ गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वहां पे। तो चलिए यहाँ करते हैं नाश्ता और निकलते हैं आगे। तो ब्रेकफास्ट करके हम अब निकल चुके हैं, और चनैनी क्रॉस करके पटनीटॉप के रास्ते में आ गए हैं।
अभी हम एंटर कर गए हैं कुंद। ये पतीसे के लिए काफी फेमस है। तो अगर आप जम्मू से नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूं, पटनी टॉप एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पूरे साल टेम्परेचर ठंडा ही रहता है और सर्दियों में बहुत स्नोफॉल होता है। आप आराम से अपनी गाड़ी में या बस से भी यहाँ आ सकते हैं। तो बस हम पहुंच गए हैं पटनी टॉप। तो ये पटनी टॉप के चौक से हम लेंगे लेफ्ट और जाएंगे सनासर की तरफ। तो ये है नथा टॉप मेरे राइट साइड में। काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ये, पटनी टॉप से 12 किलोमीटर दूर है। तो आज संडे है तो आज काफी रश हो जाएगा बाद में यहाँ पे। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं अपने ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ से शुरू करेंगे ट्रैकिंग, लेकिन पहले इस शॉप से कुछ स्नैक्स ले लेंगे रास्ते के लिए, क्योंकि वहां पे ऊपर तो कुछ मिलेगा नहीं हमें। गवर्नमेंट ने यहाँ अपना बोर्ड भी लगाया हुआ है। देखो गाइस, हमारे साथ आज कपूर साहब नहीं आए हैं। हाँ। उनका आज पेपर है यार। आज उनका आईएएस का पेपर है। तो वो लाल बत्ती में ही आएंगे आगे। आज कपूर साहब की ज्वाइनिंग है यार। अच्छा, कपूर साहब की। कपूर साहब आए नहीं है, पर हम कपूर साहब को भूल नहीं सकते कहां से। कपूर साहब का देसा वैली वाला ट्रक हमारे साथ लास्ट था। अब वो गर्द लेके जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि अब गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं करती है अकेले जाना। उनके PSO साथ में ही चलेंगे हमेशा। अशंका, तू गए थे ऊपर? हाँ जनाब। कितने घंटे चढ़ेंगे तुम? नहीं, अपनी जवानी है, कितने घंटे चढ़ते ही नौ आज घंटे के हिसाब से पता कितना टाइम लगता है। पूरी पर तो सारा होता सारे एक बिके था। हम अपनी जवानी में जहाँ चार बेरी चढ़ा हुआ है मर दावे। तुस गए थे ऊपर? गए थे बड़ी बारी? हाँ जनाब, जंदे रहते हो। अच्छा, ये भी दुसहरा होता है। हाँ, दुसहरे भी जंदे हैं। अच्छा, ठीक है। दही भी जंदे बाकी दादू शैम्पू दियो। गवर्नमेंट ने बेंच भी लगाया हुआ है लकड़ी के, है ना। देखो गाइस, हमारे ग्रुप में बंदे तो चलने वाले नहीं है। मोटरसाइकिल भी आ जाएंगे। जब कोई ट्रैकिंग वाली जगह होती है ना, उधर नहीं आते। जहाँ पे बाइक सीधी सीधी जानी है, उधर आए थे। हाँ। शुरू हो गई ट्रैकिंग हमारी। और वो देखो, सड़क नजर आ रही होगी सामने, इतनी ऊपर आ गए हम। सीधे सी रास्ते पे चलते जाना।
सामने है सनासर मिडो, यहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है। 275,000 ट्यूलिप लगाए गए हैं। हम चल रहे हैं, यहाँ पे छोटी सी स्ट्रीम भी आ गई है। किसी से रास्ता पूछा तो कह रहे हैं किसी के किनारे चलते रहिए। हमने जो टॉप दिखाई दे रहा है, हमें उस टॉप तक जाना है। हमारा पहला हॉल्ट होगा, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है तो वही हमारा स्टॉप होगा। यहाँ रुके हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और आगे का सफ़र तय करेंगे। गांचू को मिस कर रहे हैं, हमारा सफ़र बड़े आसानी से कट जाता है कपूर साहब के साथ। नेक्स्ट टाइम कपूर साहब को ज़बरदस्ती उठा के लाना, ठीक है? नहीं यानी इधर इधर मैं सामने वाले पहाड़ पे चढ़ना है। शायद आपको कैमरे में दिख रहा हो बाबा शंखपाल का मंदिर। चल देखते हैं, एक घंटा और लग जाएगा हमें। वैसे मैं व्यूज़ को बता दूँ, मेरी एक सीरीज चल रही है अनसीन जम्मू की, जिसमें मैं पंचहरी, रामनगर और देसा वैली जा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे जाइए मेरे वॉच लिस्ट में, प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए। अभी तो हम जा रहे हैं शंखपाल, बाबा शंखपाल। मैं आपको बता दूँ, ये 9,500 फीट की ऊंचाई में है और जो हमारा ले है, ले 11,000 की फीट की ऊंचाई पे है। सिर्फ 1500 फीट का फर्क है। ये सामने हमारे बाबा शंखपाल का मंदिर। तो कहा जाता है इसके बारे में, इसको बनाने में कोई ईंट सीमेंट कुछ ऐसे नहीं, बल्कि इसको ऐसे ही जोड़ा गया। तो ये लगभग 400 साल पुराना मंदिर है और ये 9,500 फीट की ऊंचाई पे है। तो उस टाइम भी हमारे लोग काफ़ी एडवांस थे।